टीवी एक्ट्रेस नायरा बनर्जी इस वक्त खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन वो टीवी की दुनिया से खूब नाम कमा चुकी है। फैंस आज भी नायरा के शो दिव्य दृष्टि को याद करते हैं। सोशल मीडिया पर भी नायरा बनर्जी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इन दिनों नायरा साउथ अफ्रीका में है, जहां रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग में बिजी है। वहां से वो खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट कर रही है। लेकिन आज हम आपको नायरा से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ये आप पहले जानते होंगे। पहली बात, बेहतरीन सिंगर और डांसर है नायरा। जी हाँ, ये बात सच है। नायरा बनर्जी ने अपनी माँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और गजल सीखी है। वो शुरुआत में बच्चों के लिए गाने गाती थी। यही नहीं, नायरा बनर्जी ने कथक डांस भी सीखा है। दूसरी बात, गाने रिकॉर्डिंग के वक्त मिला एक्टिंग का ऐसा ऑफर। नायरा बनर्जी जब एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो डायरेक्टर जीवी अय्यर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने एक्ट्रेस को हिंदी टीवी सीरियल कादंबरी के लिए साइन कर लिया। नायरा बनर्जी ने बाद में साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। तीसरी बात, भी साउथ की फिल्में और की कई बॉलीवुड फिल्म्स भी। नायरा बनर्जी ने अब तक अपने करियर में साउथ की लगभग 20 फिल्में और 3 हिंदी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी टीवी शो दिव्य दृष्टि से ही मिली। चौथी बात, नायरा के पास वकील की डिग्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि नायरा बनर्जी एक वकील भी है। जी हाँ, नायरा ने LLB की पढ़ाई की है और उनके पास कानून की डिग्री है। और पांचवी बात, बदल डाला अपना नाम। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि नायरा का असली नाम नायरा बनर्जी नहीं है। दरअसल एक्ट्रेस का असली नाम मधुरिमा बनर्जी है, जिसे उन्होंने 2016 में बदल कर नायरा बनर्जी कर लिया। पर नायरा ने कड़ी मेहनत तो की है, लेकिन फिल्मों में उन्हें बड़ा नाम नहीं मिला और टीवी की वो एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। हालांकि अब खतरों के खिलाड़ी के जरिए नायरा लोगों के दिलों पर छाने आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि रोहित के शो में नायरा कितनी दमदार साबित होंगी और लोगों के दिलों पर क्या राज कर पाएंगी।